हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग, क्योंकि आज के वीडियो में देखेंगे इस पैनासोनिक 32 इंच एलईडी को, जिसका होने वाला है फुल्ली अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसका डिटेल रिव्यू। तो फिर शुरू करते हैं। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं एज टेक गाइड और मेरा नाम है सुमन। दोस्तों, बॉक्स के सेंटर पे पैनासोनिक एंड्रॉयड टीवी और JS660 सीरीज के साथ ओके गूगल का ब्रांडिंग और नीचे में क्रोमकास्ट बिल्ट इन, HDMI, डॉल्बी ऑडियो, मॉडल और साइज मेंशन के साथ बॉक्स पे 3-स्टार रेटिंग दिख रहा है और साइड पे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो के साथ वॉल माउंट का एक स्टिकर और एक POP स्टिकर, जिसमें मॉडल, बॉक्स पे क्या क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चर डेट और टीवी का MRP मेड इन इंडिया के साथ ये टीवी आ रहा है। बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इस ईयर पैनासोनिक अपने 32 इंच सेगमेंट टीवी पे डिज़ाइन, पिक्चर, साउंड और फीचर्स को लेकर क्या कुछ अपडेट किया है। इस टीवी का रैम और इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, साथ में चेक होगा टीवी का ब्लूटूथ और ऑल फीचर्स। लेकिन इससे पहले टीवी का फर्स्ट लुक एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, टीवी आ रहा है बेसिक डिजाइन के साथ और बॉक्स पे 2 टेबल टॉप स्टैंड, कुछ स्क्रूज, बेसिक सा वॉल माउंट किट, 2 बैटरीज, एक स्मार्ट रिमोट, एक AV जैक और वारंटी कार्ड और कुछ पेपर वगैरह। यह है टीवी का ऑल एसेसरीज। चलिए एक बार रिमोट को चेक कर लेते हैं। रिमोट तो काफ़ी स्मार्ट है, ब्लूटूथ ऑडियो लिंक और गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स, गूगल पे, यूट्यूब, Z5, हॉटकीज भी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग भी है और पीछे में एक अच्छा टेक्सचर भी दिख रहा है। दोस्तों, टीवी हो गया है टेबल टॉप और टेबल टॉप होने के बाद टीवी काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ टीवी को कर लेते हैं क्विक सेटअप, क्योंकि आगे देखेंगे टीवी का पिक्चर कैसा है, साउंड का क्वालिटी कैसा है और फीचर्स को लेकर। और वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और सोनी ने 32 इंच सेगमेंट में पहली बार एंड्रॉयड टीवी लॉन्च किया है, उसका भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ। दोस्तों, टीवी हो गया है फुल्ली ऑन और इसी के साथ टीवी के होम स्क्रीन पर काफ़ी सारा OTT एप्स दिख रहा है। टीवी आ रहा है एंड्रॉयड OS के साथ, लेकिन इसको साइड करके जल्दी से बात कर लेते हैं टीवी की पिक्चर की। दोस्तों, टीवी क्या फुल HD है? नहीं दोस्तों, ये टीवी सिर्फ HD रेडी है और टीवी आ रहा है VA पैनल के साथ और इसमें है 60Hz रिफ्रेश रेट, जिसके लिए टीवी का ब्लैक लेवल और वाइट लेवल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसका साइड व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा ब्लर होता या फिर फेड होता दिख रहा है, जो आप लोग भी चेक कर लीजिए। और दोस्तों, टीवी में है हाई डायनामिक रेंज यानी कि HDR का सपोर्ट और भी VVD डिजिटल प्रो, एक पिक्चर इनहेंसर और डॉट नॉइस रिडक्शन, एक पिक्चर प्रोसेसर, जिसके लिए कोई भी सोर्स या फिर इनपुट से अगर आपका टीवी में पिक्चर आ रहा है तो वो पिक्चर को बहुत क्विकली इन्हेंस करके टीवी आपके डिस्प्ले में बेस्ट पिक्चर प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, अगर बात करें टीवी की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो वही 32 इंच का सेगमेंट में जो कॉमन चीज़ है बेजल के साथ, वही डिज़ाइन में टीवी आ रहा है और बेजल 100% प्लास्टिक का है और इसका कलर ब्लैक में दिख रहा है। इससे टीवी सामने से काफ़ी अट्रैक्टिव लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। टीवी में वी शेप स्टैंड है जो टीवी के दोनों साइड में लगा हुआ है और बीच में है पैनासोनिक का लोगो और नीचे में है मैनुअल बटन। दोस्तों, अगर आपको बेजललेस टीवी देखना है तो 2021 में लॉन्च हुआ सैमसंग 43AU8000 का अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और थिकनेस देखें तो टीवी के नीचे 2 स्पीकर होने से ये नीचे से थोड़ा थिक और ऊपर से थोड़ा स्लिम होता हुआ दिख रहा है और टीवी का पावर केबल टीवी के पीछे से ही अटैच किया हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें टीवी की इनपुट और कनेक्टिविटी की, एक लैन कनेक्टिविटी, एक ऑप्टिकल आउट, एक ऑडियो इनपुट और एक एंटीना जैक, 2 USB, एक 3.5 mm जैक हेडफोन इनपुट, 3 HDMI जिसमें एक HDMI जो
ERC के साथ आ रहा है। और दोस्तों टीवी पीछे से देखे तो एयर पासिंग विंडो के साथ टीवी का बैक कवर्ड है फुल्ली प्लास्टिक से, और टीवी का इससे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी चेक करते हैं टीवी के साउंड क्वालिटी को। दो बटन फायरिंग 21 डॉल्बी ऑडियो के साथ टीवी आ रहा है, जिसका चेकिंग अभी होगा। दोस्तों टीवी का साउंड काफी इम्प्रेसिव लगा मुझे। अभी चेकिंग करेंगे टीवी का इंटरनल मेमोरी, रैम और सेटिंग्स को। सेटिंग्स में जाके पहले चेक कर लेते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी को। यहाँ पे नेटवर्क को क्लिक करके वाईफाई को ऑन कर लेते हैं, और मेरा जो वाईफाई है शायद मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। हाँ दोस्तों ये सर्चिंग हो गया और मेरे वाईफाई से कनेक्ट भी हो गया। चलिए यहाँ पे अकाउंट और साइन इन का भी ऑप्शन है, कुछ ऐप्स, डिवाइस परफॉर्मेंस में जाके यहाँ पे देखते हैं इसका एंड्रॉयड वर्सन कौन सा है। इसका एंड्रॉयड वर्सन 9 दिखा रहा है, यानी कि एंड्रॉयड पाई के साथ ये टीवी आ रहा है। इसके अलावा चेक करेंगे टीवी का इंटरनल स्टोरेज कितना है, देख लेते हैं। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज 4.4 GB का दिखा रहा है, जिसमें कुछ MB ऐप्स का है और 4 GB अवेलेबल दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं और क्या है। गूगल असिस्टेंट दिख रहा है मुझे और क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, इसको लेके थोड़ा बाद में आते हैं। अभी चेक कर लेते हैं टीवी का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। दोस्तों रिमोट में जो ब्लूटूथ ऑडियो लिंक का बटन है उसको प्रेस करने से दो ऑप्शन आ गया, टीवी टू ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्टफोन टू टीवी, यानी कि ब्लूटूथ इन और आउट। चलिए चेक कर लेते हैं टीवी का ब्लूटूथ आउटपुट। मेरे पास एक साउंड बार है जिसको यहाँ पे सर्चिंग कर लिया और इसके साथ पेयर हो रहा है, देखते हैं पेयर होता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों पेयर होने का ऑप्शन आ गया और पेयर भी हो गया। अभी चेक कर लेते हैं ब्लूटूथ इनपुट की, स्मार्टफोन टू टीवी, इसको प्रेस कर लेते हैं। इसको प्रेस करने से एक वार्निंग आ रहा है, यानी कि कोई भी साउंड डिवाइस आपके टीवी के साथ पेयर है तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये कनेक्टिंग मोड में चला जाएगा। तो चलिए मेरे मोबाइल के साथ ये कनेक्टिंग हो गया बहुत ही आसानी से। यहाँ पे हम कोई भी गाना प्ले करेंगे तो टीवी एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह काम करेगा। दोस्तों एक और फीचर है स्मार्ट जोन, जिसे ओपन करने के बाद इसमें एंजॉय म्यूजिक, फास्ट कास्ट, स्लिप टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, नाइट मोड का ऑप्शन दिख रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं फास्ट कास्ट को। फास्ट कास्ट ओपन करने से जो भी क्रोमकास्ट OTT एप्लीकेशन है वो यहाँ से आप डायरेक्टली टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आईफोन है वहीं से आप टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कास्ट लोकल मीडिया, यहाँ पे फर्स्ट कास्ट का जो एप्लीकेशन है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड करिए और सेम नेटवर्क में अपने फ़ोन और टीवी को कनेक्ट कर लीजिए और आप आसानी से फ़ोन के मीडिया को टीवी के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों अभी जल्दी से चेक कर लेते हैं टीवी का गूगल असिस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम कैसा है। ओके गूगल, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ इन कोलकाता? The time in Kolkata, West Bengal is 12:14 p.m. दोस्तों टीवी का गूगल असिस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम काफी इम्प्रेसिव है, और टीवी अच्छी लगने की बात है तो पिक्चर क्वालिटी, साउंड और फीचर्स में बहुत ही अच्छा है टीवी, सिर्फ डिजाइन को छोड़ के। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।